नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल देख के इस वीडियो में एंटर कर चुके हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ SP125, जो 125 सेगमेंट की बहुत बेहतरीन बाइक मानी जाती है। उसकी सारी डिटेल्स और सारे फीचर्स, हर एक छोटे छोटे फीचर्स, हर एक छोटे छोटे डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको वीडियो के एंड में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर से जवाब दूंगा। और इस वीडियो में आपको दो तीन चीजें और इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो कि होने वाली है। इसका प्राइस क्या रहेगा और आपको ये बाइक परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और किसको ये बाइक परचेस करनी चाहिए, और सबसे मेन बात, 2022 में इस बाइक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो मैं आपको पूरी डिटेल एक इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो करते हैं शुरू। तो स्टार्ट करते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एलईडी हेडलाइट हेलोजन इंडिकेटर्स के साथ। यहाँ पे आपको डीआरएल देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ अगर बात करें बैक की, तो यहाँ पे आपको सिंपल टेल लाइट मिल जाती है हेलोजन इंडिकेटर्स के साथ। और उसके बाद अगर बात करें इसके सीट की, तो यहाँ पे आपको सिंगल सीट मिल जाती है, जो कि राइडर और पिलियन दोनों के लिए काफी कंफर्टेबल रहने वाली है। अगर आप कोई लॉन्ग राइड भी कर रहे हैं और आपके पीछे लेडीज बैठी है, तो उसको भी काफी कंफर्टेबल ये सीट रहने वाली है। अगर बात करें इस बाइक के सस्पेंशन की, तो आपको यहाँ पे फ्रंट में देखने को मिल जाएगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और आपको रेयर में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हाइड्रोलिक ड्यूअल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन। और अगर बात करें इस बाइक के टायर्स की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट और रेयर में दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर सेम साइज का मिल जाता है। और ये अलॉय व्हील्स हैं, तो काफी आपको देखने में अट्रैक्ट करेंगे ये व्हील्स। और यहाँ पे सेम साइज है, तो यहाँ पे 80x100 18 इंच का रेयर और फ्रंट दोनों में सेम टायर दिया गया है। तो काफी लोग कहते हैं कि फ्रंट और रेयर में दोनों में सेम साइज का टायर दिया गया है, जिससे पीछे का टायर पतला होने के कारण स्किड होने का दिक्कत रहती है बाइक को। तो मैं आपको बता दूं, ये कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है, तो यहाँ पे आपको माइलेज देखी जाती है इस बाइक में, जिस वजह से पतला टायर होने से आपको काफी अच्छी माइलेज मिलती है। अगर आप चाहो तो इसकी पीछे का टायर चेंज करा सकते हो, जिससे आपको माइलेज में थोड़ा कमी देखने को मिलेगी, पर आप टायर इसका चेंज करा सकते हो। और बात करें इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। और बात करें इस बाइक की सीट हाइट की, तो यहाँ पे आपको 790 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी। और इस बाइक के वेट की बात करें, तो यहाँ पे आपको कर्व वेट मिल जाएगा 118 kg का। उसके बाद बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। बात करें इस बाइक के ब्रेक्स की, तो आपको यहाँ पे रेयर में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में आपको ड्रम और डिस्क दोनों वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिसमें आपको अगर आप पीछे का ब्रेक लगाते हैं, तो आगे का ब्रेक भी काफी हद तक लगता है। तो यह होती है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी। और इसका रेयर ड्रम 130 mm का होता है आगे पीछे दोनों में, और फ्रंट का जो डिस्क आपको मिलेगा वो 240 mm का आपको मिल जाएगा। और इस बाइक में आपको दिया गया इंजन किल स्विच, जो कि आपको काफी बेहतरीन फीचर इस बाइक में दिया गया है, जो कि आपको इंजन ऑन ऑफ करने में और बाइक को स्टार्ट करने में काफी हेल्प करता है। और इस बाइक में दिया जाता है एक साड़ी गार्ड, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और बाइक्स के मुताबिक। और इसमें दिया गया है एक चेन कवर, जो कि काफी अच्छी चीज मुझे लगी, जिससे चेन में कोई भी खराबी, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आती। और गाइस, ये बाइक ACG टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसमें अगर आपको बाइक स्टार्ट करनी है तो वो बहुत साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगी। उसमें कोई भी खर खर जैसे एक्स्ट्रा आवाज आती है, जो भी स्टार्ट करते हो और बाइक्स में आती है, वो इसमें नहीं आने वाली है। ये बाइक बहुत आराम से साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। और इसमें दिया जाता है ग्रैब लेयर, जिससे पिलियन को पकड़ने में पीछे से आसानी होती है। और बात करें इस बाइक के मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया फीचर इस बाइक का मुझे लगा है। एनालॉग को छोड़ के इसमें आपको डिजिटल दिया गया है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलती है बाइक चलाने में, जो कि आपको काफी फीचर इस डिजिटल कंसोल में मिल जाएंगे। जैसे कि आपको कौन से गियर में आपकी बाइक खड़ी है वो आपको बता देगा, कौन से गियर में आपकी बाइक चल रही है वो बताएगा, और आपको बताएगा कि कितनी स्पीड में आपकी बाइक चल रही है और माइलेज कितने का दे रही है आपकी बाइक। और काफी इसमें फीचर्स हैं जो आपको बता देगा ये डिजिटल मीटर। अगर बात करें इस बाइक के इंजन की, तो ये आपको 124 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि 10.7 hp मैक्सिमम पावर 7500 rpm और 10.9 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 6000 rpm पे प्रोड्यूस करता है। और इस बाइक में आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाता है। और अगर बात करें इस बाइक की माइलेज और टॉप स्पीड की, तो कंपनी यहाँ पे माइलेज क्लेम करती है 60 km/h और टॉप स्पीड क्लेम करती है 100 की। और अगर मैं आपको बताऊं, तो ये आपकी बाइक चलाने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बाइक चलाते हैं। अगर आप बाइक अच्छे से चलाएंगे, तो आपको ये जो माइलेज है आपको काफ़ी ज़्यादा भी मिल जाएगी, 65 to 70 मिल सकती है। अगर आप बहुत
रफ टफ चलाएंगे बाइक को, बहुत रफ चलाने वाले हैं, तो आपको ये 45-40 की भी दे देगी आपकी माइलेज। तो ये आपके चलाने पे डिपेंड करता है आप बाइक किस तरीके से चलाते हैं। और आपकी इसकी टॉप स्पीड अगर मैं बताऊं तो आप 115 तक भी इसको ले जा सकते हैं। सोच रहे कि इसमें आपको यूएसबी या कोई चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो वो आपको नहीं मिलता है इस बाइक में। और साथ ही साथ इस बाइक में आपको अंडर सीट स्टोरेज भी नहीं मिलती है। ओवरऑल मैंने इसकी सारी डिटेल्स और फीचर्स आपको बता ही दी हैं। कुछ अगर मुझसे मिस हो गया होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बात करें इस बाइक में 2022 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो इसमें छोटे मोटे दो तीन चेंजेस हुए, बाकी बाइक पूरी वैसी ही आपको मिलेगी। तो इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच आपको मिल जाएगा देखने को, जो कि काफी बेहतरीन इन्होंने दिया है। और इसमें आपको जो फिनिशिंग है साइड की, इसमें जो आपको वो मिलेंगे स्टिकरिंग मिलती है, उसमें आपको हल्की सी फिनिशिंग और बेहतर मिलेगी। बाकी इसमें कुछ खास फीचर आपको नहीं प्रोवाइड करती है ये बाइक 2022 में, वही बाइक पहले जैसी ही है। बस दो तीन इसमें जो थे मैंने आपको बता दिए हैं फीचर्स जो ऐड किए गए हैं। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो आपको 1,05,000 का डिस्क आपको वेरिएंट मिल जाएगा, और 4 to 5,000 आपको सस्ता पड़ जाएगा ड्रम ब्रेक। तो आप अगर लेना चाहें इस बाइक को तो ले सकते हैं। बात करें इस बाइक को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, जिसका बजट 1 लाख के आसपास है, तो 1 लाख के आसपास पे ये बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छा स्पोर्टी लुक भी दिया गया है। कम्यूटर सेगमेंट में स्पोर्टी लुक देना मतलब काफी अच्छा, ये चीज मेरे को लगी, ये जो थोड़ा स्पोर्टी लुक इसका दिया गया है टैंक पे, और काफी अच्छे डिजाइनिंग है इसमें, स्टिकरिंग है। और बाकी इसका मेन चीज है इंजन, होंडा का इंजन, आप आंख बंद करके जा सकते हो होंडा की तरफ, क्योंकि इसका इंजन काफी लॉन्ग लाइफ आपको देखने को मिलेगा। इसमें कम मेंटेनेंस में आपको अगर कोई बाइक चाहिए कि आपको मेंटेनेंस ज्यादा नहीं देना है और काफी अच्छी आपको माइलेज चाहिए, तो ये 60-65 काफी अच्छे से आपको दे देगी माइलेज। अच्छे से आप बाइक चलाओगे तो 70 भी देगी, तो वो आपके बाइक चलाने पे डिपेंड करता है। तो आप बेझिझक इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब जरूर से करना अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है। और कमेंट में आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं इस बाइक से रिलेटेड। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।